मैं पुष्पलता शर्मा, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद, हिंदी व्याख्याता। बच्चों, आज आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर वर्चुअल कक्षा। आपका विषय है पत्र लेखन। यूं तो बच्चों, पत्र लेखन कहने से आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल सी बात है। बात है भी सरल, लेकिन पत्र लिखना भी एक कला है, एक विधा है। लिखने को हम कुछ भी लिख लें, लेकिन अगर पत्र आपका आकर्षक न हो, पढ़कर कोई आप छाप न छोड़ सके, या पढ़े हुए को अनदेखा कर दे कोई, तो पत्र लिखने का कोई अर्थ न निकले तो व्यर्थ है। तो बच्चों, ये समझ लीजिए कि पत्र लेखन एक कला है, और आपको तो अपनी बोर्ड की कक्षा के हिसाब से, बोर्ड परीक्षा के हिसाब से भी इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है, क्योंकि 5 अंक का आपका पत्र लेखन प्रश्न आता है, जिसमें तरह तरह के आपसे पत्र लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो पत्राचार का प्रारंभ भी पठन पाठन के साथ ही हो गया। पठन पाठन यानी जब से हमने पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया है, जब से शिक्षा देने, हर व्यक्ति को शिक्षित होना है, हर बालक को शिक्षित होना है, हर परिवार को शिक्षित होना है, तब से ही पत्राचार का प्रारंभ शुभारंभ मानना चाहिए। सुदूर स्थानों पर रहने वाले, सुदूर यानी दूर, जो हमसे बहुत दूर है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, अपने सगे संबंधी, परिवारी लोग, मित्र का समाचार जानने के लिए हम चिंतित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं कि वो किस दशा में हैं, कैसे हैं, उनका कुशल मंगल जानने के लिए हम बहुत व्याकुल रहते हैं। अपने समाचार भी उन तक पहुंचाने की अति आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम है, विवाह संबंधी मुंडन संस्कार है, बहुत सारे संस्कार हिंदू रीति के अनुसार होते हैं, तो उसमें हमारे मित्र लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे सगे संबंधी, जिन्हें हम रिश्तेदार और मेहमान कहते हैं, हम चाहते हैं कि वो उस समय हमारे पास में हों। इसीलिए हमारे जीवन में पत्र लेखन की आवश्यकता आई, और ये आवश्यकता तो हमेशा ही रही। बात यही समाप्त नहीं हो जाती है बच्चों। पत्र लेखन केवल सगे संबंधियों तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती है, या मित्रों तक पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु पत्र तो शासकीय भी लिखे जाते हैं, गैर शासकीय भी लिखे जाते हैं, पत्र व्यापारिक भी होते हैं, पत्र व्यावहारिक भी होते हैं, पत्र सामाजिक भी होते हैं। तो पत्र बहुत प्रकार के होते हैं बच्चों, और हर पत्र को लिखने की एक कला होती है। कुछ भी लिख लेना पत्र नहीं होता है। हम किसको संबोधन कर रहे हैं, तो संबोधन कैसे करना है, ये भी एक विधा है, ये एक कला है, ये जानना हमें आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अपने सामाजिक संबंधों के निर्वाह करने के लिए भी व्यक्ति को अपने से संबद्ध अधिकारियों को, संबद्ध यानी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो संबंधित हैं हमसे, उनको भी पत्र लिखना पड़ता है। इसी प्रकार व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारिक कार्यों के लिए पत्र व्यवहार होता रहता है। सरकारी कार्यालय में सरकारी तथा गैर सरकारी, जनता तथा शासन, और केंद्र तथा राज्य सरकार के मंत्रालयों के मध्य भी इसी प्रकार पत्र व्यवहार होता रहता है। अतः पत्र व्यवहार का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पत्र व्यवहार का चलन न होता बच्चों, तो हमारे जो एक जीवन है वो अस्त व्यस्त होता। हम किसी के सुख दुख को नहीं जान पाते, हम किसी की आवश्यकता को नहीं समझ पाते, और जहाँ तक पत्र व्यवहार, पत्र लेखन का संबंध है, तो ये प्राचीन काल से है। जब शिक्षा, जब लोग शिक्षित नहीं थे,
जब हमारे पास साधन नहीं थे तो हम पक्षियों के माध्यम से भी संदेश भेजते थे बच्चों, वह भी पत्ते ही। तो तरह तरह की विधाएं, तरह तरह के ढंग, तरह तरह की कला पत्र लिखने की होती है, जिसमें हमें पारंगत होना चाहिए। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ये अति आवश्यक है कि आप, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जिले से बाहर रहकर छात्रावास में रहकर पत्र पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में कभी इस तरह की समस्या आ जाती है कि हम अपने परिवार के लोग अर्थात माता पिता तक ये संदेश पहुंचाएं कि हम किस स्थिति में हैं, हमारी पढ़ाई कैसी चल रही है। इसे जानकर और समझकर माता पिता परिवार के लोग भी प्रसन्न होते हैं। बच्चों, ये परिवार की और हमारी दोनों ही आवश्यकता है। जैसे कभी फीस समाप्त हो गई, या हमें छात्रावास में भोजन ठीक नहीं मिला, या हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। यद्यपि छात्रावास के जो अधिकारीगण हैं वो पूरी पूरी आपकी मदद करते हैं, लेकिन हमारा फिर भी कुछ कर्तव्य बनता है। माता पिता का भी हमारे प्रति कर्तव्य होता है जो वो निर्वहन करते हैं। तो हम पत्र के माध्यम से इस निर्वाह को भली भांति कर सकते हैं। हम अपनी कुशलता बता सकते हैं, हमें कोई तकलीफ है, हमारी पढ़ाई में कोई व्यवधान आ रहा है, हम किसी तरह से परेशान हैं, या कोई हमें परेशान कर रहा है, इस तरह से हम अपने परिवार के लोगों को अवगत कराते हैं। मान लीजिए कि हम किसी छात्रावास में रहते हैं, या मान लीजिए कि हम उसी शहर में रहते हैं लेकिन विद्यालय हम नहीं जा पाए, बीमार हो गए, तो आप कैसे सूचित करेंगे? पत्र के द्वारा सूचित करेंगे। पत्र के द्वारा आप तब सूचित करें जब आपको पत्र लिखना आता है। पत्र आप किसको संबोधित करेंगे, पत्र आप किसके लिए लिखेंगे, पत्र आप क्यों लिख रहे हैं? तो ये एक लिखने की कला है, ये एक विधा है जो आप विद्यार्थियों को परीक्षा के दृष्टिकोण से भी लिखना आना चाहिए। तो इससे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि पत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। पत्रों के प्रकार, पत्र नंबर एक पारिवारिक पत्र, नंबर दो सामाजिक पत्र, नंबर तीन कार्यालयीन पत्र, नंबर चार व्यापारिक पत्र, नंबर पांच व्यावहारिक पत्र। इस तरह से सामान्य ज्ञान के आधार पर मैंने बहुत पढ़ा और समझा, तो मैं पांच भागों में ने बांट सकी। पत्र पांच प्रकार के होते हैं, तो जिसमें परिवार संबंधी, सामाजिक, कार्यालयीन, व्यापारिक और व्यावहारिक। कार्यालयीन पत्र जो है सरकारी पत्र होते हैं, पारिवारिक पत्र सामाजिक पत्र, सामाजिक पत्र जो हमारे मित्रगण हैं इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। पारिवारिक पत्र के अंतर्गत हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, चाचा ताऊ मामा इत्यादि हैं। कार्यालयीन पत्र में आप अपने विद्यालय के लिए, जिला शिक्षा अधिकारी के लिए। व्यापारिक पत्र जो व्यापार से संबंधित लोग होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो किस तरह से उनका आदान प्रदान होता है, किस तरह से जानकारी दी जाती है, ये देश विदेश से भी संबंध रखते हैं व्यापारिक पत्र जो है। और व्यावहारिक पत्र यानी व्यवहार कुशलता को प्रदर्शित करते हैं कि हम अपने परिवार को किस तरह से जोड़ कर रखें, वो हमसे किस तरह से जुड़े रहें, किस तरह से हम कर्तव्य पालन कर सकें। तो केवल अपना समाचार किसी तक पहुंचाना ही पत्र नहीं होता है, किसी के विषय में जानना भी पत्र होता है। तो ये हमें दोनों स्थिति परिस्थितियों से पत्र परिचित कराते हैं। तो बच्चों, पत्र किस तरह से लिखा जाए, मैं आपके स्तर का ही एक पत्र बताती हूँ जो आपके लिए बहु उपयोगी होगा। जैसे मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बता रही हूँ, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। आप जिले से बाहर
अन्य जिले में छात्रावास में रहकर पढ़ रहे हैं, तो माता पिता परिवार के लोगों सभी सदस्यों को उत्सुकता रहती है कि मेरा भाई मेरा पुत्र किस तरह से पढ़ रहा है ना। तो आप किस तरह से उन्हें अवगत कराएंगे, किस तरह से सूचित कराएंगे, तो ये एक ढंग होता है। तो बच्चों जैसे अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र, तो पिता को पत्र लिखना है तो किस तरह से पिताजी को आप संबोधन करेंगे, सेवा में ऊपर सबसे सर्वप्रथम आप सेवा में लिखेंगे, डैश लगाएंगे, इसके नीचे लिखेंगे आप पूज्यनीय पिताजी, क्योंकि पिता से बढ़कर इस संसार में बच्चों दूसरा कुछ नहीं है। तो उन्हें सम्मान देने के लिए, उन्हें मान देने के लिए पूज्यनीय शब्द का प्रयोग करेंगे, पूज्यनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। फिर आप दाहिने हाथ की तरफ, ये पूज्यनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श आपने बाएं हाथ पर लिखा है, आप दाहिने हाथ पर आएंगे तो आप कहाँ से लिख, कहाँ के लिए लिख रहे हैं, आपके पिता कहाँ रहते हैं, उस स्थान का नाम लिख दीजिए और इसके नीचे आप दिनांक डाल दीजिए कि किस तारीख को आप पत्र लिखकर भेज रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये तो हमने आपको बता दिया, पूज्यनीय पिताजी संबोधित कर दिया सादर चरण स्पर्श, है ना, उन्हें सम्मान दे दिया, तारीख डाल दी, आप जहाँ के लिए लिख रहे हैं उस शहर स्थान का नाम डाल दिया, पर आप लिखेंगे क्या? तो आपके पास विषय मिला है, ये आपका एक प्रश्न है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, अपने पिता को इस बात से अवगत कराएं। तो देखो बच्चों, जहाँ आपने बाएं हाथ की तरफ लिखा है पूज्यनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और आप लिखना फिर प्रारंभ करेंगे थोड़ा सा हटकर, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। आप भी परिवार के साथ सकुशल होंगे, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी पूरी मेहनत लगन से कर रहा हूँ, मैं इस बार प्रावीण्य सूची में अवश्य ही आऊंगा। प्रावीण्य सूची हिंदी शब्द है बच्चों, तो आपको समझने के लिए मैं बता दूं, प्रावीण्य यानी मेरिट, जो आपके दिल दिमाग और मुख में ये शब्द समाया होता है मेरिट, मेरिट का अर्थ प्रावीण्य, तो प्रावीण्य सूची में अवश्य ही स्थान प्राप्त करूंगा। और आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि आप इसके लिए, जैसा कि आपने लिखा पूरी मेहनत और लगन से कर रहा हूँ, तो मेहनत और लगन बहुत ही स्पष्ट हो कि पिताजी मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ या 4 बजे उठता हूँ पढ़ने के लिए, प्रतिदिन उठता हूँ, नियम से उठता हूँ, ऐसी जानकारी भी आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात एक लाइन छोड़कर आप लिखें, आदरणीय माता जी को चरण स्पर्श, जो भी आपके भाई बहन है उन्हें स्नेह प्रदर्शित कर सकते हैं, जो भी आपके भाई बहन है स्नेह मिले उनको। और इसके पश्चात, इतना समाप्त करने के पश्चात पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि आपका वाक्य पूर्ण हो गया बच्चों, और दाहिने हाथ की तरफ नीचे जहाँ समाप्त हो गए उसके और नीचे थोड़ा सा हटकर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र, और आप अपना नाम लिख लेंगे। तो इस तरह से आप अपने पिताजी को ये इस बात से अवगत करा सके कि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, प्रावीण्य सूची में स्थान, इस समाज को जानकर बच्चों उनके हृदय में बहुत ही प्रसन्नता होगी, और वह साथ में ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि इस लगन और मेहनत के लिए वह आपको स्वस्थ रखे, ईश्वर से प्रार्थना, क्योंकि आप उनके पुत्र हैं। तो ये एक तरीका था मैंने बताया पत्र लिखने का कि आप किस तरह से अपने पिताजी को, परिवार के लोगों को इस बात से अवगत करा सकते हैं कि आप परीक्षा की तैयारी
कर रही हूँ। पत्र बच्चों बहुत है, जैसे कि मैंने बताया पांच प्रकार के पत्र, लेकिन यहाँ मैं उन पत्रों पर ही ज्यादा दृष्टिपात करूंगी, दृष्टिगोचर करूंगी, प्रस्तुतिकरण दूंगी कि जो आपकी परीक्षा में आते हैं कक्षा दसवीं के स्तर। अगला देखेंगे आप, अपने छोटे भाई को दूरदर्शन लगातार देखने के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए पत्र लिखिए। दूरदर्शन यानी टीवी ना, तो दूरदर्शन घर में क्या है, मान लीजिए माता पिता नहीं है, कहीं चले गए स्कूल से, आप किसी दिन स्कूल नहीं गए, या स्कूल से आने के बाद स्कूल से पढ़कर आ गए, खाना खा रहे हैं, टीवी के सामने घंटों बैठे हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो वो जो आप समय व्यर्थ कर रहे हैं उसका हमारे जीवन में, विद्यार्थी जीवन पर दुष्परिणाम यानी क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा, इससे मैं अवगत कराना चाहती हूँ। तो अपने छोटे भाई को, जो आपका छोटा भाई है, उसको आप कैसे अवगत कराएंगे कि भैया तुम बहुत देर तक मत देखना टीवी, नहीं तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो उसको लिखने का ढंग क्या है। ये देखिए आपके पास में एक प्रपत्र फॉर्मेट तैयार है, प्रिय शब्द का, क्योंकि छोटे भाई को लिख रहे हैं इसलिए प्रिय शब्द का उपयोग करेंगे। भाई आपका मोहन, सोहन, कमल, विमल कोई भी हो सकता है, जिसको भी आप लिखना चाहते हैं, आप नाम प्रिय लिखकर उसका नाम लिख दें और उसको उसके नीचे आप देंगे शुभ आशीष, शुभ आशीष, शुभ यानी अच्छा, आशीष यानी आपकी मतलब कल्याणकारी भावनाएं से हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जिस जगह के लिए लिख रहे हैं आप उस जगह का नाम लिख दीजिए। फिर दाहिनी तरफ आ जाइए, दिनांक अवश्य लिखिए बच्चों, जैसे शिवाजी नगर यहाँ लिखा हुआ है, तो शिवाजी नगर को दिनांक जहाँ लिखा है उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो बाईं तरफ आप प्रिय, आपका जो भी मित्र है, मोहन, सोहन, कमल, विमल इत्यादि, और उसके नीचे लिखेंगे शुभाशीष। अवश्य लिखें, आपके छोटे भाई को आपका पत्र पढ़कर बहुत खुशी होगी कि मेरे लिए मेरे भाई ने शुभाशीष शब्द का उपयोग किया, मेरे लिए बहुत सारे आशीष शुभाशीष यानी अच्छे आशीर्वाद भेजे। फिर इसके पश्चात जैसे शिवाजी नगर लिखा हुआ है, उसके नीचे थोड़ा सा हटकर आप इसको इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, मुझे तुम्हारे मित्रों से ज्ञात हुआ है कि तुम शहर जाकर दूरदर्शन देखने के आदि हो गए। यद्यपि दूरदर्शन आज के समय में देश दुनिया के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु दूरदर्शन के सामने अधिक समय तक बैठना ठीक नहीं है। फिर दूरदर्शन तो दूर से देखने के लिए होता है, इसको अधिक देखने से तुम्हारी आंखें दूषित हो सकती हैं। फिर मेरे भाई यह मत भूलो कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा अर्जन करना है, शिक्षा अर्जन यानी शिक्षित, शिक्षा इकट्ठी करना है, ज्ञान इकट्ठा करना है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पढ़ाई करनी है। इसके पूर्ण विराम लगाकर एक, अगर आपका लाइन वाला कागज है तो एक लाइन छोड़ दें, एक पंक्ति छोड़ दें, अन्यथा प्लेन पेपर है, सादा कागज है, तो थोड़ी सी जगह छोड़कर इसके बाद दूसरा पैराग्राफ यानी अनुच्छेद शुरू करेंगे आप। अतः अच्छे मित्रों की संगति में रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने मासिक परीक्षा परिणाम से अवगत कराना, आशा है कि इस सीख पर ध्यान दोगे। मासिक परीक्षा यानी यूनिट टेस्ट, महीने में जो आपके टेस्ट होते हैं उन्हें मासिक परीक्षा कहा जाता है बच्चों, तो यह भी एक माध्यम है जानने का कि आपकी कितनी उन्नति हो रही है, और उस उन्नति से आप कैसे अपने भाई को, पिताजी को, चाचा, मामा, जो भी है, जो भी
आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपका ध्यान रखते हैं, जो आपके पालक हैं, सभी चाहते हैं कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और इस पत्र को पढ़कर ये प्रतीत हो रहा है कि बच्चा कहीं बाहर जाकर पढ़ रहा है, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे जिले में। तो चिंतित तो रहते ही हैं कि मेरा भाई किस तरह से पढ़ाई, और छात्रावास हो, घर हो, दूरदर्शन एक ऐसा साधन है जो सभी जगह उपलब्ध है। यद्यपि ये साधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती है अगर हम अपनी पढ़ाई छोड़कर, हमें जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसे छोड़कर अन्य जानकारी परीक्षा के समय में एकत्रित करते रहेंगे, तो जो हमारा पाठ्यक्रम है हम उससे वंचित रह जाएंगे और हमारा परीक्षा परिणाम खराब हो जाएगा। तो हमें यह विशेष ध्यान रखना है कि शहर से बाहर रहकर हम अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें। कहीं ऐसा नहीं कि हम दूरदर्शन के सामने बैठकर सीरियल देख रहे हैं, है? जैसे बच्चों का ज्यादा रुझान इस उम्र में होता है, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, CID देख रहे हैं, सावधान इंडिया है इत्यादि, ना? तो इन सब से दिमाग को अलग रख कर, हटा कर, असमय दूरदर्शन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, बल्कि अपनी पुस्तकों पर, अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर इसके पश्चात समाप्ति के पश्चात दाहिने हाथ पर नीचे तुम्हारा भाई, जो भी आपका नाम है इत्यादि लिख दें। इस तरह के प्रश्न, इस तरह के पत्र आपकी बोर्ड की परीक्षा में लिखने के लिए आते हैं। अगला पत्र आप देखेंगे, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो इस पत्र को आप किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुतिकरण देखिए। सर्वप्रथम आप बाएं हाथ की तरफ सबसे पहले सेवा में लिखेंगे। सेवा में लिखने के बाद आप कौमा, जिसे अल्पविराम कहा जाता है, लगाएंगे, कौमा लगाएंगे। थोड़ी सी जगह छोड़ कर नीचे आप प्रारंभ करेंगे, प्राचार्य महोदय, जो भी स्कूल का नाम है, जैसे आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है, चौथराम फाउंटेन हाई सेकेंडरी स्कूल, श्री राम तलावली धार रोड, इंदौर। इसके पश्चात बच्चों, ये विद्यालयीन पत्र है ना? और तो आपको विषय यानी सब्जेक्ट जरूर लिखना होगा। विषय हेडिंग डालकर लिखेंगे, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में। क्या लिखेंगे? शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में। इसके आगे लिखेंगे महोदय या मान्यवर शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों महोदय शब्द ज्यादा उचित है। महोदय लिखकर कौमा लगाएंगे और इसके आगे से थोड़ी जगह छोड़कर लिखेंगे, विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल हो गया है। स्थानांतरण हिंदी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है ट्रांसफर, जिससे आप ज्यादा अवगत रहते हैं। आज के समय में देखा जा रहा है बच्चों में प्रायः है कि हिंदी बड़ी ही कठिन लगती है, तो हिंदी शब्द है स्थानांतरण, अंग्रेजी है ट्रांसफर। तो स्थानांतरण भोपाल हो गया है, इसलिए मैं अब इंदौर के स्थान पर भोपाल में अध्ययन करूंगा। अतः निवेदन है कि मुझे शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।
तो शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सरल भाषा में जिसे आप कहते हैं टीसी, मैडम टीसी दे दीजिए। अध्यापिका शिक्षिका पूछती है, बच्चे क्या कारण है, क्यों आप टीसी ले जाना चाहते हैं, यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। नहीं मैडम जी, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है तो मुझे टीसी चाहिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, शाला त्याग प्रमाण पत्र। अब शायद आपको समझ में आ गया हो। तो विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल हो गया है, पूर्ण विराम लगाएंगे फिर वाक्य पूरा हो गया है। ये सब का विशेष ध्यान रखना है आपको पत्र लिखते समय। इसलिए मैं अब इंदौर के स्थान पर भोपाल में अध्ययन करूंगा, क्योंकि बालक के पिता का, विद्यार्थी के पिता का स्थानांतरण ट्रांसफर कहाँ हो गया है, भोपाल हो गया है। तो वह इंदौर से अब भोपाल शिफ्ट होना चाहता है। अध्ययन करूंगा, पूर्ण विराम लगाकर अगली पंक्ति से या थोड़ी जगह छोड़कर आप लिखेंगे। अतः निवेदन है कि मुझे शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। इस तरह से आपका ये पत्र बच्चों समाप्त हो गया। और दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ की तरफ आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और शिष्य जो जो भी है अपना नाम लिख देगा और अपनी कक्षा अवश्य लिख देगा। अब बच्चों विशेष बात मुझे जो कहनी है, आप बोर्ड के परीक्षा देने के लिए तत्पर तैयार हम लोग करने जा रहे हैं आपको, तो जो ये पत्र आप लिखेंगे, जो भी पत्र लिखेंगे उसमें आप अपने नाम का प्रदर्शन नहीं करेंगे। जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य तो अ ब स द या क ख ग या ए बी सी इस तरह का कोड वर्ड यूज करेंगे। आप अपना उसमें नाम इत्यादि, रोल नंबर इत्यादि नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉपी के ऊपर जो है प्रश्न मध्य ऊपरी होता है उस पर भी स्टीकर लिखा रहता है। कॉपी जचने के बाद भी क्या किया जाता है, उसके स्टिकर को निकाला जाता है और हम लोग रोल नंबर है। तो मूल्यांकनकर्ता को इससे पहले आपका रोल नंबर, नाम इत्यादि गोपनीयता की दृष्टिकोण से आपको अपना नाम इत्यादि, रोल नंबर इत्यादि नहीं लिखना है। उसकी जगह आपका आज्ञाकारी अब शब्द या खरह जो भी लिखना चाहते हैं। और दाहिनी तरफ आप दिनांक डालना न, तारीख डालना आप न भूलें, ये आवश्यक है। आप इसमें से कोई एक चीज भी भूल जाएंगे तो आपका एक अंक कट जाए। अब अगला पत्र का फॉर्मेट या प्रपत्र देखें आप। अपनी निर्धनता का उल्लेख करते हुए शाला शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। प्राचार्य, प्रधानाचार्य जो भी संबोधन हो, प्रश्न में देख लें प्राचार्य के नाम पूछा गया है, प्रधानाचार्य के नाम से आप उसी को संबोधित करेंगे। अपने मन से आपको नहीं लिखना है। कुछ बच्चे कक्षा अध्यापिका लिख देते हैं, कुछ बच्चे कुछ और लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप प्रश्न को पढ़ें, किसके नाम आपको पत्र लिखना है, ये विशेष सावधानी हमें बरतने की आवश्यकता होती है पत्र लिखते समय। तो देखिए, सेवा में कॉमा लगा लीजिए या डैश लगा लीजिए, फिर नीचे लिखिए श्रीमान प्रधानाचार्य या प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं या यहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। प्रश्न में किसको एड्रेस करना है, किसके नाम लिखना है, किस विद्यालय के नाम, पूरे उसके आधार पर आपको ये लिखना है। मैं तो आप एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने ये प्रपत्र
और मेड प्रस्तुत किया है कि आपको किस तरह से शुरुआत करना है। तो श्रीमान प्रधानाचार्य प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवपुरी, शिवपुरी की जगह भोपाल भी हो सकता है। तो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है हमें उसकी तरफ ध्यान देना है, और विषय में लिखना है शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। शुल्क यानी फीस जो हम भरते हैं स्कूल में साल भर पढ़ने के लिए। जैसे बच्चा गरीब है, निर्धन है, उसके पास पैसा नहीं है, तो हम उसे पढ़ाई से वंचित तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके पास में एक विकल्प है, वो अपने प्राचार्य को ऐसा पत्र लिखे कि मुझे शुल्क से मुक्त किया जाए। तो शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, और इसी के नीचे लिखेंगे महोदय। तत्पश्चात आगे से लिखना प्रारंभ करेंगे, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी मजदूरी करके घर का खर्च चलाते हैं, किंतु पिछले 3 माह से वे अस्वस्थ हैं। बिना आय के घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। अभी पिताजी की हालत में सुधार नहीं है, अतः भविष्य में भी आर्थिक परेशानी रहेगी, क्योंकि कमाने का कोई साधन या जरिया नहीं है, और बच्चा पढ़ना भी चाहता है। तो हम उसे ऐसे पत्र लिखने की कला बताएं, उसे अवगत कराएं कि अपनी समस्या का समाधान आप किस तरह से कर सकते हैं, प्राचार्य आपको शुल्क से मुक्त कर सकती है, ऐसा प्रावधान है। तो हम इसको और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह का प्रश्न बच्चों आपकी परीक्षा में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। इसके पश्चात आप लिखेंगे, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी दयनीय स्थिति को ध्यान में रखकर मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें, मैं आपका आभारी रहूंगा। साथ में आप ये भी जोड़ सकते हैं कि अगर मुझे शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा तो मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से विद्यालय में चलती रहेगी और मैं परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करके प्रावीण्य सूची में उत्तीर्ण हो सकता हूँ, मेरी उन्नति हो सकती है, मेरा भविष्य उज्जवल हो सकता है। अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके आप अच्छी भाषा का प्रदर्शन करके उसे आकर्षक और रोचक बच्चों बना सकते हैं। यह मूल्यांकन करता पर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है, और अगर आप इस तरह की भाषा का ध्यान रखेंगे, शब्द चयनों का ध्यान रखेंगे और किस तरीके से लिखना है, एक विधा जो होती है उसके तहत लिखेंगे, तो आप पूरे पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। और पढ़ने पर एक मूल्यांकनकर्ता के ऊपर आप एक अच्छी छाप छोड़ सकेंगे। और इसके पश्चात आप लिखेंगे, बाएं हाथ की तरफ दिनांक अवश्य डालेंगे और दाहिने हाथ की तरह आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी बालक लिखे, जो भी उसका नाम है। तो मैंने बताया है कि अगर बोर्ड की परीक्षा में आप इस तरह का कोई भी पत्र लिख रहे हैं तो उसमें अपने नाम का प्रदर्शन न करें, रोल नंबर न लिखे, अपितु लिखें। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बता रही हूँ कि और किस तरह का आपके पास में आ सकता है। अपने शहर के नगर पालिक अधिकारी को शिकायती पत्र लिखते हुए मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करने का निवेदन कीजिए। शहर आजकल स्वच्छता अभियान चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस ओर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, सारा देश इस स्वच्छता की ओर जुटा हुआ है। तो हमें भी बच्चों सजग होना चाहिए। इसी पर आधारित ये प्रश्न आपको आ सकता है कि अपने शहर के नगर पालिका अधिकारी को
शिकायती पत्र लिखना है, आपको शिकायत करना है कि हमारे शहर मोहल्ले या जिस स्थान पर आप रहते हैं गंदगी फैल रही है, तो उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो गंदगी को दूर करने के लिए शहर मोहल्ले उस स्थान को स्वच्छ रखने के लिए निवेदन करना है। तो किस तरह से आप प्रस्तुतिकरण देंगे? श्रीमान नगर पालिका अधिकारी नगर निगम भोपाल, आप जहाँ के भी हैं, भोपाल के हैं, इंदौर के हैं, महू के हैं, देवास, जहाँ के भी हैं, आप वहाँ को एड्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे विषय, आपका सब्जेक्ट क्या है। तो प्रश्न पूछ नगर पालिका अधिकारी को शिकायत करना है कि आपका मोहल्ला बहुत गंदा है, उसे जल्द से जल्द स्वच्छ। तो आप लिखेंगे विषय में मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करने विषय, और इसके पश्चात उसके नीचे लिखेंगे महोदय, और थोड़ा सा आगे हटके आप लिखेंगे उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन या विषयांतर्गत निवेदन है कि मयूर विहार कॉलोनी वार्ड क्रमांक 14 में बहुत गंदगी हो गई है, जिसे कई महीनों से साफ नहीं किया है, जिसके कारण अनेक कीटनाशक जीवाणु उत्पन्न हो रहे हैं एवं बीमारी फैल रही है। रास्ते पर अनेक जगह कचरा जमा है जिसमें बहुत गंदगी है। ऐसा लिखकर आप उस अनुच्छेद को बंद कर देंगे, वाक्य पूरा हो गया है। फिर थोड़ा सा जगह छोड़कर आगे से लिखेंगे अतः महोदय जी से पुनः निवेदन, पुनः का अर्थ होता है फिर से दोबारा, निवेदन है कि उक्त कॉलोनी को दूर करने की महति कृपा करें। उक्त यानी जो ऊपर कॉलोनी का नाम दिया है, जैसे इसमें मयूर विहार कॉलोनी, या आप जहाँ रहते हैं, आप जिस जगह को साफ कराना चाहते हैं उस कॉलोनी का, उस जगह का नाम दे सकते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। फिर इसके पश्चात दाहिने हाथ की तरफ समाप्त होने पर भवदीय, भवदीय का अर्थ होता है आपका, है ना, और समस्त कॉलोनी के लोग, ऐसा समस्त नगरवासी, कॉलोनी वासी, मोहल्ले निवासी, रहवासी, ऐसे शब्द का उपयोग करना है। और पत्र के मध्य में धन्यवाद लिखना न भूले, क्योंकि आप एक उच्च अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, साथ में आप शिकायत भी कर रहे हैं, तो आप उसको धन्यवाद अवश्य दें। आपके पत्र लिखने की कला को देखकर, पढ़कर उसे रोचकता मिले, मतलब आपका पत्र आकर्षित हो, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको अच्छे नंबर मिल सके। फिर इसके पश्चात बाएं हाथ की तरफ पत्र समाप्ति पर दिनांक लिखना न भूलें कि आप किस तारीख को यह शिकायती पत्र लिख रहे हैं। ये बच्चों शिकायती पत्र के अंतर्गत आता है और सरकारी पत्र के अंतर्गत भी रखा जाता है, ठीक है। अब तो बच्चों आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, आज मकर संक्रांति है और सूर्य देव जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इस प्रसन्नता के साथ में मैं आपका बहुत स्नेह पूर्वक शुभकामनाएं देती हूँ, और परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं सुभाषिश है, और शायद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों, आज आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्वक सुना, तो शायद आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।